नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ शालिनी पांडे। रुख करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां हरिद्वार के भील सेक्टर में एक संत शिरोमणि रविदास के मंदिर के कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार से आह्वान कर रहे हैं, इस देश में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही जाति है, वह है मानव जाति। आज हम हरिद्वार पहुंचे हैं और हरिद्वार के इस मंदिर में हम संत शिरोमणि रविदास को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने एकजुट होने का संदेश दिया था, उन्हीं के पद चिन्हों पर हम सबको चलना चाहिए। रविदास मंदिर के कार्यकारिणी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। अटेंडम ही मुख्यमंत्री जी का तो कार्यक्रम अटेंडम ही मिला हमें कल। इस प्रोग्राम में हम लोग आदेश चौहान जी जो थे हमारे विधायक रानीपुर क्षेत्र के, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। उन्हें आपस में बातचीत हुई होगी, उन्होंने चाहते हुए क्योंकि आजकल राजनीति चल रही, उसी के माध्यम से उन्होंने सोचा कि भाई किसी मंदिर में माथा टेके मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने ये चुन लिया कहने के भाई रविदास मंदिर सेक्टर 1 में ही है, आप माथा टेक लें, वहाँ ज़्यादा संख्या में भी लोग वहाँ मिल जाएंगे, आप समय तक सकते हैं अच्छी तरह, क्योंकि आजकल जो है चुनाव का दौर है, पब्लिक चाहिए नेताओं को, उस लिहाज से भी जो है ये यहाँ मुख्यमंत्री जी ने प्रोग्राम रखा। गुरु रविदास की जयंती बड़े उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे पूरी पंचपुरी से लोग बाग आते हैं यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी पहुँचे हैं, हमारे माननीय विधायकगण भी पहुँचे हैं, और अभी हमारे जो मंदिर में एक बच्चों की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें पेंटिंग प्रतियोगिता थी, भाषण प्रतियोगिता थी,